करेंगे इंदौर की बड़ी खबर के साथ, जहां MY अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल होने वाली है। आज से नॉन कोविड की सभी सेवाएं बंद हो गई हैं। डॉक्टरों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की है। प्रदेश सरकार को 1 दिन का समय दिया गया है और इसके साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर कोविड सेवाएं बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है, जहां MY हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल की है और मांगे पूरी नहीं होने पर कोविड सेवाएं बंद करने की भी चेतावनी दी गई है। सरकार को 1 दिन का समय दिया गया है। आज से अनिश्चितकाल हड़ताल प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आज इमरजेंसी सर्विसेज नॉन कोविड वाली सारी सेवाएं रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा बंद कर दी गई है, जिसमें इमरजेंसी कैजुअलिटी वार्ड OPD IPD सब कुछ आता है। कोविड सर्विसेज आज चालू है। अगर आज भी हमारी बातें मान ली जाती है, सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाती है और हमारी मांगों का कुछ एक रिटर्न में ऑर्डर निकाल देती है, तो आज ही से हम लोग स्ट्राइक बंद कर दें। लेकिन अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो कल से हम कोविड बंद करने के लिए भी मजबूर हैं। जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, डॉक्टर्स ने चेतावनी भी दी है और नॉन कोविड सेवाएं तो बंद की ही हैं, हड़ताल पर चले गए हैं और कोविड सेवाएं बंद करने की भी चेतावनी दी है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल विकास, जो MY अस्पताल में जूनियर डॉक्टर है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और 5 सूत्री मांगों को लेकर जो जूनियर डॉक्टर है वो हड़ताल पर गए। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जो कोविड वार्ड में जो डॉक्टर है वो ड्यूटी करते हैं और उसके बाद जो मरीज के परिजन पहुंचते हैं और किसी कारणवश अगर कुछ दुर्घटना या घटनाक्रम होता है तो उसके बाद डॉक्टरों को जिम्मेदार माना जाता है। इसको लेकर जो बाद में वाद विवाद की स्थिति बनती है और उसी को लेकर सेक्रेटरी जो जूनियर डॉक्टरों ने एक मांग की है जो कि उनकी पहली सूत्री मांगों में सबसे पहली मांग है। तो वहीं पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो डॉक्टर हैं उनका भी आरोप है जूनियर डॉक्टरों का, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बेड की व्यवस्था है और जो दवाइयां हैं ये शासन प्रशासन का काम है पहुंचाने का, लेकिन जो मरीज के परिजन आते हैं वो कहीं ना कहीं पर जो डॉक्टर है उनके साथ अभद्रता करते हैं। तो इसी बात को लेकर जो जूनियर डॉक्टर है वो अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और उसके साथ ही अभी जो नॉन कोविड काम आज से बंद कर दिया गया है। अगर सरकार अगर उनकी जल्दी मांग पूरी नहीं करती है तो वो कल से कोविड का काम भी बंद कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है इंदौर से, कोविड महामारी का दौर लगातार जारी है, अस्पतालों में भीड़ भी लगातार जारी है और इस सबके बीच में जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल की है। नॉन कोविड सेवाएं फिलहाल बंद की गई हैं, लेकिन आगे अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, 5 सूत्रीय मांगे उन्होंने रखी हैं सरकार के सामने, अगर वो नहीं मानी जाती तो ऐसे में वो कोविड वाली व्यवस्थाएं भी बंद करके हड़ताल पर जाएंगे, ऐसा कहना है जूनियर डॉक्टर्स का।